आज हम जानेंगे वर्जिन ऑर्बिट के बारे में, जिन्होंने 7 सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च किया है। लेकिन इनका तरीका सबसे अलग है, इन्होंने प्लेन की मदद से 7 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे हैं। तो चलिए जानते हैं ये लॉन्च कैसे हुआ। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लॉन्च सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इस लॉन्च को वर्टिकली लॉन्च नहीं किया गया है। इसको सबसे पहले प्लेन की मदद से एक स्पेसिफिक हाइट अचीव की गई है, उसके बाद उसमें एक रॉकेट लगाया जाता है, वो रॉकेट आगे फर्दर सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ट्राई किया गया है वर्जिन ऑर्बिट कंपनी के द्वारा, जिसको ओन करते हैं रिचर्ड ब्रांसन, और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है ट्यूबुलर बेल्स पार्ट 1। ट्यूबुलर बेल्स इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि रिचर्ड ब्रांसन की एक और कंपनी, वैसे तो उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है वर्जिन रिकॉर्ड। तो उस कंपनी का जो सबसे पहला रिकॉर्ड रिलीज हुआ था वो एक ट्यूबुलर बेल था। ट्यूबुलर बेल्स एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये कंपनी बनाती है, और जिस प्लेन की मदद से ये मिशन किया जा रहा है उस प्लेन का नाम है कॉस्मिक गर्ल। और ये प्लेन टेक ऑफ करने के 1 घंटे बाद उसमें एक रॉकेट लगा होगा, उस रॉकेट का नाम है लॉन्चर 1 रॉकेट। उस रॉकेट के अंदर इस बार 7 सैटेलाइट रखे गए हैं जो फर्दर उसके बाद लॉन्च किए जाएंगे, और वो ऑर्बिट में इन सारे सैटेलाइट को डिप्लॉय कर देगा अपने अपने ऑर्बिट में। तो ये पूरा प्रोसेस है वर्जिन ऑर्बिट का। इस 7 सैटेलाइट में इस बार 3 डिफरेंट कस्टमर ने अपने सैटेलाइट भेजे हैं, जिसमें से 4 क्यूब सैटेलाइट है। क्यूब सैटेलाइट बेसिकली मतलब होता है छोटे सैटेलाइट। तो वर्जिन ऑर्बिट ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला है रॉकेट को प्लेन के मदद से लॉन्च करने का, और जो इस कंपनी को ओन करते हैं रिचर्ड ब्रांसन, वो स्पेस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उस स्पेस टूरिज्म को भी कुछ इसी स्ट्रेटेजी से ही आगे बढ़ाया गया है। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी, उन्होंने स्पेस टूरिज्म के लिए अपना खुद का प्लेन बनाया है, जो आपने पहले देखा होगा, वो एक स्पेसिफिक हाइट के बाद सेंटर वाला प्लेन स्पेस टूरिज्म के लिए आगे बढ़ेगा। वैसे तो इन्होंने बताया कि एक बार में लगभग 16 लोगों को स्पेस टूरिज्म कराया जा सकता है। उसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और भर भी गई है। अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो 1 पर्सन की लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए है एक फ्लाइट के लिए। और दूसरी तरफ एक और कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस टूरिज्म को आगे बढ़ा रही है। आपको पता ही होगा ब्लू ओरिजिन अमेज़न की कंपनी जेफ बेजोस की है, जो अगले महीने 20 जुलाई को स्पेस टूरिज्म भी करने जा रहे हैं। पर उनका स्ट्रेटेजी अलग है, वो वर्टिकल टेक ऑफ करेंगे, और इन्होंने वर्जिन ऑर्बिट ने प्लेन की मदद से सारा चीज किया है। मैं SpaceX को स्पेस टूरिज्म में नहीं ऐड करना चाहता, क्योंकि उनका अलग ही गोल है, उनका एक स्पेसिफिक गोल है मार्स कॉलोनाइजेशन। तो अभी स्पेस टूरिज्म को लेकर 2 ही कंपनियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, एक है ब्लू ओरिजिन एंड सेकंड वन इज वर्जिन ग्रुप। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थी कुछ अपडेट वर्जिन ऑर्बिट के लॉन्च के बारे में। मैं ऐसे ही स्पेस से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।